और वो शेख से पूछे सऊदी से कितना दूर फेंकती, शेख बोला वल्लाही तुमसे कम फेंकती। दोनों तरफ इजाफा होगा, सियासी तौर पर सियासी अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सस्याकाल, केम छो, हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहसिन खान और नाम है ताहा हुसैन। तो आप सब देख रहे हैं दी रिएक्टर्स। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक पॉलिटिशियन है इंडिया के जाने पहचाने यार। इनको मैंने देखा था एक वीडियो में, तो बहुत ही मशहूर पॉलिटिशियन है ये इंडिया में। इनकी बहुत ही मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में, एक सूबे में इनकी एक हुकूमत भी है। तो इनके ऊपर हमने सोचा कि यार इनकी जो एक कि हम आज लाइव दे दें, हाँ, इसके ऊपर एक रिएक्शन वाली वीडियो बनाई ले आप सब के लिए। सुनने वाला मजे की वीडियो है। लेकिन वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और आप हम लोग का सोशल क्या बोलते हैं, सोशल अकाउंट्स आ रहे होंगे इंस्टाग्राम पे, हमारे अकाउंट्स हैं, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं, वो आ रहे होंगे आपको ना स्क्रीन पे। दी रिएक्टर्स के नाम से है उनको आप, दी रिएक्टर्स 90 यस 90। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, अगर कोई टाइम जाया करे तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है इस वीडियो में ऐसा खास। तो लेट्स गो, चलो तो यकीनन दोनों तरफ इजाफा होगा, सियासी तौर पर सियासी लंबी वो एक सऊदी अरब गए थे, आपको मालूम होगा प्राइम मिनिस्टर। तो सऊदी अरब जाके आप वीडियो देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर गौर से तोप को देख रहे थे, ऐसा अतराफ फिरे उस तोप के, इनके बाप गहराई से उर्दू में गहराई से मुताला करें। और वो शेख से पूछे सऊदी से कितना दूर फेंकती, शेख बोला वल्लाही तुमसे कम फेंकती। हमारे बाप की डैडी की जमीन हुई, पप्पा की जमीन हुई। जब डैडी की, पप्पा की, अब्बू की जमीन हो गई तो मैं अब्बू का बेटा या अब्बू की बेटी की जमीन हो गई। तो वफादारी बेटा बेटी नहीं दिखाते, जो बाप को नहीं मानते उनको दिखाना वफादारी। अरे भाई साहब यार, ये बंदा ना मतलब बिल्कुल ही कड़क बात करता है और सबकी ले लेता है भाई। अपनी बातों से बहुत ही लोगों का ना इंटरटेन करता है, तो मुझे तो अच्छा लगता है भाई ये बंदा। केस करना संविधान को बनाया, उस किताब को जाके पार्लियामेंट में देखा, उस किताब के सफे पर राम की फोटो है, फिर बाद में टीपू की फोटो है, टीपू सुल्तान की, अकबर की, बादशाह अकबर की फोटो है, झांसी की रानी की फोटो है। ये क्यों डाले हमारे बुजुर्ग? इसलिए डाले कि इस देश को मालूम होना चाहिए कि इस देश में राम के मानने वाले भी है, टीपू सुल्तान शहीद को बहादुर मानने वाले भी है, झांसी की रानी को मानने वाले भी है, और अकबर बादशाह भी इस मुल्क के तारीख का हिस्सा। अकबर बादशाह खूबसूरत है भारत की, जो वजीर आजम, मौजूदा वजीर आजम इस भारत की खूबसूरती को खराब करना चाहते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सीर अमले की राय में आप हमारा साथ देंगे ना? हैदराबादी है, बोली से लग रहा है। स्टाइल अच्छा है। अरे यार क्या फेंकता है। 59 मिनट्स में एक करोड़ यानी मिनट को 1000 रुपये चपला खर्च आ रहे हमारे संगारेटी के बच्चों की 50,000 का लोन नहीं मिलता 59 मिनट्स में। और मोदी साहब बोले, बड़े साइंटिस्ट भी हो आजकल, बोले नाली जारी करते, नाली में गैस है, गैस में पाइप घुस के गैस लेके चाय बनाना मेरा तो बना के दिखाओ। क्या प्रेमता भाई यार, मतलब मजे की चीज होती है जब दो पॉलिटिशियन आपस में लड़ने होते हैं ना, बयानबाजी हो रही होती है, जुमलेबाजी हो रही होती है एक दूसरे के लिए, अबे भाई मजा आता है। ये हमारे यहाँ भी होता है, सब मजा आता है बिल्कुल। इधर गए, टीवी पर देख रहे, हम तो खाली लंदन में दिख रहे, पेरिस में दिख रहे, अमेरिका में दिख रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा हिंदुस्तान का वजीर आजम 5 साल में पूरा वर्ल्ड टूर कर लेंगे इंशाल्लाह। ये मार रहे हैं वहां से, मतलब पॉलिटिशियन जो होते हैं ना वाकई में झांसा देते हैं कि ये चोर है, लुटा हुआ पैसा निकाल कर लेकर आएंगे, आवाम को देंगे, आवाम की जेब भरेंगे। उसी में ये बोल रहे हैं कि भाई वो तुमने कहा था आवाम को देने के लिए, वो कहाँ है? जबरदस्त आवाम को दे देंगे देखते। यार रिएक्शन टाइट है फेस का, एक्सेस मिस्टर मोदी को सुना। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमको रमजान नसीब फरमाए, पूरे रोजे रखे। तो क्या होता रमजान आया तो फिर लोग खड़े रह के देखते रहो, चांद निकला नहीं निकला, चांद निकला नहीं निकला। अब किधर भी होगा बेचारा, दिखा पाशा चांद किधर दिखा क्या। तो वही से एक मरतबा क्या हुआ, लोग खड़े रहते चांद देख रहे थे। तो इतने में क्या हुआ, बैतुल खला से एक आदमी निकला। बैतुल खला मित्रों क्या हो रहा है? लोग बोल रहे चांद देख रहे, हम लोग अहमद साजी स्टाइल बोले चांद देख रहे। तो उन्होंने बोला मित्रों क्या ऐसा क्यों देख रहे? तो बोले ऐसा चांद देख रहे हम लोग। अच्छा मैं भी देखता हूँ, देखो फ्री है अब चांद देखे, दिख गया चांद, मुबारक मुबारक, चांद दिख गया, चांद दिख गया, रमजान शुरू। ये बोला अरे यार मित्रों चांद तो बड़ा बदबूदार है। तो अहमद शादी बोले हाथ नहीं धोए ना तो विश्वास है एक मिनिस्टर अमित शाह बोले, यानी वो बम गिराए तो अमित शाह बोले 250 मर गए। एमईए के स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं है, मगर अमित शाह क्योंकि उनको ज्यादा इल्मे गैब है, उन्होंने बैठ के देख लिए, इतने मारे गिने उन्होंने जाके, यानी जिस्म से इनकी रूह निकल के जाके चक्कर 1 2 3 4 5 6 7 8 सही बात है भाई। उसके बाद इनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उन्होंने 300। उसके बाद इनके एक और मिनिस्टर है जो बोले ना कोई नहीं मरा, खाली डराना हमारा मकसद था। अच्छा। वो मिनिस्टर बोले 300 सेलफोन थे पूरे बुझ गए। मैं बोला भाई साहब ये तुम लोग क्या कोई चौक की मंडी में जाके क्या पान का पत्ता खरीद रहे? भड़काऊ भाषण दिया औरंगाबाद में, और मेरा दूसरा नाम भड़काऊ भाषण है। क्या करते, किसी की मां नहीं चली मेरी समाज को रोक सके। जब तक जिंदा हो बोलता रहूंगा। कोई हमारे जो दोस्तों से मिलता हूँ जाने वाले बोलते हैं क्या भाई तुम दो शादियां कर कैसा करते? बोला भाई साहब पहले तो मेरे पास एक ही बीवी है, और आपको अंदाजा नहीं है कि हमारे घर में क्या होता। हम बाहर निकल के भड़काऊ भाषण देते मगर अंदर जाके सुनना पड़ता भाषण हमारा। नहीं मैं क्या बोल दू, मेरा देखो ये झूठ है कि सिर्फ मुसलमान ही दो शादियां कर रहे। नेशनल फैमिली सैंपल सर्वे 2005 एंड 6 पढ़ लो आप, हिंदू भाइयां भी लोग शादी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, शादियां तो करते हैं, दो कौन रोक रहा है आपको? मगर इन दोनों में फर्क क्या है बता रहा हूं मैं आपको। हिंदू धर्म में अगर आप शादी कर रहे हैं, वो कोई शादी आपकी सेकंड मैरिज करना है तो आपको इस्लाम कबूल करना पड़ता। मैं बोल रहा हूँ आपको, आप लव जिहाद कर रहे, मैं बोल रहा हूँ आपको लव जिहाद क्या है? या नहीं तो स्पेशल मैरिज एक्ट में लव जिहाद का चल रहा है, या नहीं तो कोई मंदिर में जाके कर लेते आप। मगर फर्क क्या है? इस्लाम में दूसरी शादी अगर हम करते नहीं, एक में ही परेशान। अगर कोई तो कर लेता है, उसका दिल बड़ा है, उसका दिल बड़ा है, तो वहाँ क्या होता है कि दूसरी बीवी टीवी हमारी रखेल नहीं कहलाती, टीवी कहलाती। हम दुनिया के सामने उसको इज्जत देते हैं कि हाँ ये मेरी टीवी है। बताओ आप बोल सकते हैं टीवी है। If you like this video, do like, share and subscribe this channel. इंटरेस्टिंग चीजें तफरी आई, मजा भी आया। असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत खड़ी खड़ी बातें भी कर जाते हैं भाई, कभी कभार। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल बस बातें करते हैं। और भाई इनका मतलब ये है कि इनका एक छोटा भाई भी है, वो भी इन्हीं की तरह है, वो भी बहुत ही कुछ बोल जाता है। उनकी एक वीडियो मैंने असेंबली में ही देखी थी, तो वही हमें सिखाएगा इस तरह टाइप की ना। तो बहुत ही मतलब दोनों भाई ना आप दिमाग के बहुत गर्म इंसान लगते हैं। तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और उम्मीद करते हैं अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर लीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बस करते हैं, फिर नई वीडियो में मिलते हैं आपसे के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।